दोस्तों, तो मेरा नाम है निशान। तो आज मैं आपके लिए क्या एक बहुत ही बढ़िया पिक्सार फोटो रीडिंग। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो रीडिंग। थैंक यू सो मच। पहले तो आप पिक्सार ओपन कर लीजिए, और गाइस मैंने जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी इस फोटो में यूज़ किया, आप ये सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले तो हम ये एक बैकग्राउंड चूज़ करेंगे जो कि बाइक का है। इसे ओपन करने के बाद हम ड्रॉ टूल में जाएंगे। ड्रॉ टूल पर आने के बाद हम एम्प्टी लेयर लेंगे और अपने मॉडल का पीएनजी सिलेक्ट करेंगे। मॉडल का पीएनजी सिलेक्ट होने के बाद इसे कुछ इस तरह बाइक के ऊपर अच्छे से सेट कर देना है। इसकी कैपेसिटी कम करके देख लीजिए कि बराबर है या नहीं, अब अपनी फ़ोटो के हिसाब से इसे सेट करना। फिर एक और एम्प्टी लेयर लेंगे गाइस, फिर और एक पीएनजी ऐड कर लेंगे एम्प्टी लेयर में, और इसे कुछ इस तरह से अपनी फ़ोटो के ऊपर से एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो मैं फ़ोटो को ट्रांसफॉर्म करूँगा और अच्छे से इसे सेट कर लूँगा। सेट होने के बाद गाइस सिंपली यहाँ से डन कर दूँगा। मर्ज कर दूँगा तीनों फोटो को और यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा डिस्कार्ड करके। तो यहाँ पर हमारे सारी पेंजेस लग चुके हैं। अब सिंपली हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे और अपने फेस को बैकग्राउंड के साथ मैच करेंगे। तो इन्वर्ट करके सिर्फ अपने फेस को कलर कीजिए, क्योंकि पीछे वाले वाइटिश बैकग्राउंड को मैच होना चाहिए। इसलिए गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फोटो एडिटिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताओ, ताकि मैं आपके लिए और इसी तरह की नई फ़ोटो एडिटिंग ला सकूँ। तो गाइस जहाँ पर हमारा ब्राइटनेस का काम तो हो चुका है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम कर लेता हूँ, सैचुरेशन नॉर्मल कम कर देता हूँ, हाँ ठीक है। इसके बाद डन करके बाहर आ जाऊँगा और अपनी फ़ोटो को सेव कर दूँगा। तो गाइस हम बाकी की एडिटिंग लाइट रूम में करने वाले हैं। मैंने लाइट रूम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीमियम वर्जन है। तो चलिए लाइट रूम में हम आ गए हैं। तो अब सिंपली लाइट पर जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को कम कर देंगे, हाइलाइट्स को नॉर्मल बढ़ा लेंगे, शेडो को भी कम कर देंगे, वाइट को नॉर्मल बढ़ाएंगे, ब्लैक को भी कम कर देंगे, ज़्यादा नहीं नॉर्मल करना सब। फिर गाइस नेक्स्ट टूल पर जाएंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे, रेड कलर के सैचुरेशन बढ़ा लेंगे, ल्यूमिनेंस कम कर देंगे, ऑरेंज कलर का सैचुरेशन कम करेंगे और ल्यूमिनस बढ़ा लेंगे, और फिर ब्लू कलर सिलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन कम कर देंगे, नेक्स्ट ब्लू कलर इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे, ल्यूमिनस कम कर देंगे, और सिंपली डन करके बाहर निकलाएंगे, सैचुरेशन कम कर देंगे, टेम्परेचर माइनस में कर देंगे। फिर नेक्स्ट टूल पर जाएंगे, फ़ोटो की क्लियरिटी बढ़ाएंगे, डीएस को बढ़ा लेंगे 10 तक, विगनेट कम कर देंगे -20 के पास, और फीदर को भी बढ़ा लेंगे 55-56 तक। और फिर नेक्स्ट टूल पर जाएंगे जहाँ पर फ़ोटो की शार्पनेस बढ़ाएंगे, तो शार्पनेस बढ़ा ली 45 तक, नॉइज़ रिडक्शन 20 तक, और कलर नॉइज़ रिडक्शन 59-16 तक बढ़ाएंगे। फिर गाइस ये देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं कि पहले फ़ोटो कैसी थी और अब फ़ोटो कैसे है। ये पहली थी ऐसी पिक्सार्ट में और लाइटरूम में ऐसी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।